इस वीडियो में दी गई जानकारी ऑनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और वीडियो क्लियर से ली गई है। कृपया कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स माय टीम एमडी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स, एमटी मेडिटिव में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बेडनेसोल इंजेक्शन के बारे में। स्क्रीन में देख सकते हो क्या इंजेक्शन है, कैसा नाम है, बेडनेसोल इंजेक्शन, जिसको जीएसके फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मार्केट में लाया जाता है। बहुत ही सस्ते दाम में आपको मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। 6 से 7 रुपये के अंदर एक पैकेजिंग, एक एम्पुल जो आप देख सकते हो ऊपर में, कैसा एम्पुल है, वही एम्पुल 1 ml के बहुत ही आसानी से 6 से 7 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा। ये प्राइस जो मैंने बताया टाइम के साथ साथ अपडेट हो सकता है। आज जानेंगे इसके अंदर कॉन्टेंट सॉल्ट क्या मौजूद है, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके प्राणदायी मेडिसिन कहा जाता है क्यों, इमरजेंसी कंडीशंस में बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं, कितना डोज में यूज करना चाहिए, सब कुछ पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरे वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लाना एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़ जाए। बेडनेसोल इंजेक्शन जिसके अंदर कॉन्टेंट सॉल्ट मौजूद है बेटामेथासोन, जिसको 4 mg के स्ट्रेंथ में इसके अंदर मिलाया जाता है पर 1 ml में, यानी 1 ml के एम्पुल जो आते हैं उनमें 4 mg का बेटामेथासोन होता है। बेटामेथासोन नेचुरली एक स्टेरॉयड मेडिसिन है, जिसको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशंस में यूजेस लिया जाता है। कुछ भी मेडिसिन से आप एलर्जिक हो गए हो, मेडिसिन लेने के बाद बहुत ज़्यादा एलर्जी आ गए हो, शरीर में आँखों नाखों में फूल जाता है, आप देख सकते हो ऊपर कैसे सिचुएशन होता है, श्वास लेने के लिए कठिनाई भी होते हैं, सांस नहीं ले पाते, कुछ निगलने नहीं पाते, इसीलिए किसी किसी पेशेंट का जान भी चला जाता है उस सिचुएशन में। इस इंजेक्शन, एक ही इंजेक्शन से स्टार्ट बहुत ही अच्छा आराम मिल जाता है। एलर्जिक रिएक्शन से ये मुक्ति दिलाता है, स्वेलिंग वगैरह जो है उसमें से मुक्ति दिलाता है, ये बहुत अच्छा फायदा देता है। डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम में भी इसको यूजेस लिया जाता है। डर्माटाइटिस एक स्किन की बीमारी है, स्किन के बीमारी से मुक्ति पाने के लिए इस स्टेरॉइड के बहुत ज़्यादा यूजेस है। हार्ट के अंदर कहीं पर भी स्वेलिंग हो गए हो, यानी हार्ट के वाल्व में स्वेलिंग हो गए हो, या नासों में ब्लॉकिंग हो गया हो स्वेलिंग की वजह से, उस कंडीशंस में इस इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा उपयोग है, बहुत ज़्यादा उपयोग लिया जाता है डॉक्टर द्वारा। कभी पेशेंट का यूरिन इन्फेक्शन हो गया हो, उसमें पेशाब नहीं आ रहा हो, सूजन आ गया हो पेशाब नाली के अंदर से, उस कंडीशंस में इस इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा उपयोग है, लिया जाता है, जिसे बहुत अच्छा फायदा भी देखा जा सकता है। ब्रेन के अंदर सूजन आ गया हो, ब्रेन के अंदर जो सूजन आते हैं उसमें मौत भी आ जाता है कभी कभी पेशेंट का, उस कंडीशंस में इसके भी यूजेस लिया जाता है। कभी कभी हड्डी के अंदर जो सूजन आते हैं, जो आर्थराइटिस के कारण से जो सूजन आता है, वहाँ पर लगाया जाता है इस इंजेक्शन के, जिसमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिल जाता है। ये बहुत सारा एलर्जिक प्रॉब्लम को या एलर्जिक रिएक्शन को बेअसर कर सकता है, हर तरीके का एलर्जिक असर को कम करने के लिए या बेअसर करने के लिए इस इंजेक्शन का यूजेस लिया जा सकता है। ये मैंने मुख्यतः यूज बताया, दूसरे प्रकार के भी बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, जो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और रोगी का गंभीरता देख के लेते हैं। इसको खुद से ना यूज कीजिए, ये बहुत ही प्राणदायक मेडिसिन है एक साइड से, और दूसरे साइड से जानलेवा घातक साबित भी हो सकता है साइड इफेक्ट के कारण से। इसके ओवरडोज से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो सकता है, नींद नहीं आ जाते, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकता है, और मूड स्विंग हो सकता है, पेशेंट का मूड कभी स्विंग भी हो सकता है, स्टोमक में अपसेट रह सकता है, बोन डेंसिटी कम हो सकता है, बहुत सारा सीवियर साइड इफेक्ट हो सकता है, बहुत ही दिन से चला आने पर, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लेने पर स्किन लटक सकता है चेहरे से, अब कुछ अल्प वयस में ही बूढ़े देख सकते हो, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए इसको डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा लीजिए, खुद से मत यूज कीजिए, डॉक्टर के सलाह से ही, डॉक्टर के सुपरविजन से ही इसको यूज कीजिए। इसके साइड इफेक्ट जानने के बाद आप जानेंगे इसके डोज क्या हो सकता है। इसके डोजेस के बारे में जान लें तो डोज रोगी का एज तथा रोग का सीवियरिटी के ऊपर निर्भर करता है, ये मैं हमेशा बताता हूँ। जो 10 साल से ऊपर से बच्चों से लगाकर बुजुर्ग तक सभी में यूज किया जा सकता है, उनके कंडीशन देखकर, किन कंडीशन में यूज किया जाता है उसके ऊपर ही डोज निर्धारण होता है। किसी किसी पेशेंट का सामान्यतर एलर्जिक रिएक्शन में स्टार्ट एक ही इंजेक्शन लगने से बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाता है, और किसी किसी पेशेंट का हर दिन 2 से लगाकर 3 तक डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, यानी 3 ml पर डे सुबह दोपहर शाम में लगाया जा सकता है। साधारणतः पेशेंट को 2 बार ही दिया जा सकता है, 3 से लगाकर 5 दिन से ही बहुत अच्छा फायदा मिल जाता है, और उसके बाद लगाने नहीं पड़ते। जब ज़्यादा ज़रूरत हो तो डॉक्टर उसको 7 से लगाकर 14 दिन भी कर सकते हो, डॉक्टर के सलाह के साथ लेना, खुद से ना यूज करना।
खुद से इतना दिन यूज करने के बाद बहुत सारा साइड इफेक्ट भी हो सकता है। अब जानेंगे इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कौन सा रूट में इसको लगाना चाहिए, कौन सा रूट में नहीं लगा सकते आप। इसको आप IM IV दोनों रूट में ही लगा सकते हो। IM का मतलब है इंट्रामास्कुलर, आप डीप इंट्रामास्कुलर लगा सकते हो। IV का मतलब जब आप IV लगा रहे हो तब स्लो पुश किया जाता है, बहुत ही स्लो करके दिया जा सकता है। इसको NS RL DNS से मिक्स करके भी दे सकते हो आप। इन दोनों रूट में ही इसको दिया जा सकता है और इन प्रोसेस में ही इसको दिया जा सकता है। जान लेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, इसके महत्वपूर्ण बात क्या है कि मेडिसिन के चलने के बाद इसको दिया नहीं जा सकता। एम्लोडिपिन के मेडिसिन जहाँ पर भी चल रहा हो उनके साथ दिया नहीं जा सकता। एम्लोडिपिन एक ब्लड प्रेशर लो करने की दवा है, हाई ब्लड प्रेशर जिनको है उनमें चलता है एम्लोडिपिन के मेडिसिन, उनको दिया नहीं जा सकता। एस्पिरिन के मेडिसिन चल रहे हो किसका, जैसे कि इकोस्पिन हो गया, इकोस्पिन AB या डिस्पिन, इस मेडिसिन कभी भी चल रहा हो किसी पेशेंट को, उनको दिया नहीं जा सकता। उनमें लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम का सिग्नल भी हो सकता है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में डॉक्टर के सलाह के बिना ना देना कुछ भी मेडिसिन या कुछ भी इंजेक्शन। हार्ट और लिवर फेलियर की जिसके सिचुएशन हो उनमें भी डॉक्टर के सुपरविजन में ही दिया जा सकता है। अल्कोहल के साथ बिल्कुल भी नहीं देना, खराब प्रभाव दे सकता है। ड्राइविंग करते दोनों सेफ है, लिया जा सकता है डॉक्टर के सलाह के साथ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को बेडनेसोल तथा बेटामिथासोन स्टेरॉइड्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर ऐसे ही वीडियो बनने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।